हमको जो दूसरी एक ये मिली है कि वेस्ट बंगाल में कुछ टेस्ट जो बीजीआई किट करके माना जाता है, आरटीपीसीआर किट, वो आरटीपीसीआर किट बराबर काम नहीं कर रहा है, ऐसे हमको एक ग्रीवंस मिला। वो ग्रीवंस के तरफ देखते वक्त दो तीन चीज़ें हमको याद रखना है कि ये बीजीआई किट यूएसएफडीए अप्रूव्ड है, उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं। सिर्फ इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये जब किट हमको रखना है तो उसको 20 डिग्री के नीचे टेम्परेचर रहना चाहिए। 20 डिग्री के अगर ऊपर गया तो वो टेस्ट रिजल्ट्स बराबर नहीं आ सकते हैं। तो जो कंप्लेंट थी वो कंप्लेंट ये थी कि कुछ लोगों की रिपीट टेस्ट करना पड़ा क्योंकि सारे लाइट अप नहीं हो रहे हैं, उसके साथ कंट्रोल जो रहते हैं वो। ये कब होता है? कभी कभार टेक्नीशियन जब वो काम करेगा, ज़्यादा सैंपल नहीं रहे तो उसके स्ट्रिप्स निकाल के उसको और एक बार रन करता है दूसरे टेस्ट को करने के लिए। जब वो वैसे करने जाएगा तो उसने वो कहाँ किट रखा था, वो क्या रूम टेम्परेचर पे छोड़ के उसने फिर टेस्ट करने की कोशिश की, उसके ऊपर वो आमादा होगा। लेकिन हमने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी बताया है कि जो एनआईवी में हम किट इस्तेमाल करते हैं वो किट तकरीबन 10,000 टेस्ट के लिए काफ़ी हैं। वो नाइसेड में है, कलकत्ता में, वो हम उनको टेम्पररी वो क्राइसिस टाइड ओवर करने के लिए दे रहे हैं। मिस्टर सुनील, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।